अरमान ने सिखाया सुशांत को सबक। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जैसे ही मनीष और रूही घर पहुंचेंगे तो सुशांत भी वहां जाता है और वो उन लोगों से अभी के अभी घर खाली करने के लिए कहता है। रूही जवाब में कहती है कि मैं आपकी किस्तें चुका तो रही हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। सुशांत कहता है कि कल तो तुम जेल चली जाओगी, फिर किस्तें कौन चुकाएगा, इससे अच्छा है कि तुम अभी के अभी घर खाली कर दो। तभी अरमान वहां जाता है और वो सुशांत को उन लोगों से दूर रहने की वार्निंग देता है। अरमान उसके हाथ में कोर्ट का नोटिस पकड़ा कर कहता है कि तुम्हें ये घर चाहिए ना, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हें बड़े भिजवा दूंगा। मेरा मतलब समझ रहे हो ना तुम, रूही को तो मैं बचा लूंगा लेकिन तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आज के बाद इस घर की तरफ अपनी नजरें उठाकर भी मत देखना। अरमान की धमकियों से डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। मनीष कहता है कि तुम अब रूही का केस नहीं लड़ोगे। अरमान और रूही के रिक्वेस्ट करने पर वो मान ही जाता है। विद्या के समझाने पर अबीरा को अपनी गलतियों पर पछतावा होता है। उसे समझ आ जाता है कि वो अपनी माँ की तरह वकील बनना चाहती थी लेकिन संजय की तरह बन चुकी है, इसीलिए वो केस वापस लेकर सब कुछ ठीक कर देती है। अब आगे यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कहानी में और क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।